हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एमएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है एमएड सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, यह है आपका जून 2022। ठीक है, जून 2022 का पेपर है एमएड सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं, इसका जो कोड है वो है 2003। उसका जो नाम है प्रोस्पेक्टिव रिसर्च एंड इशू इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, जून 2022, ये जो पेपर है आपके सामने, ये CCS, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है जो आपके सामने। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर को। और यहाँ पर जो है सेक्शन दिया हुआ, देखिए सेक्शन वन क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं 5 में से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में आए थे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, राइट द कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा का समर्पित लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, जो कंसेप्ट है उसके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अप्रेज द टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड इन इंडिया। ठीक है, भारत में प्राचीन काल की जो शिक्षक शिक्षा का मूल्यांकन करें। ठीक है, जो भी अपना पीरियड रहा है टीचर एजुकेशन का उसके बारे में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया, डिफाइन ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, शिक्षक शिक्षा के पारंपरिक उपागम को परिभाषित कीजिए, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी टीचर्स की उसके बारे में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द सप्लाई एंड डिमांड प्रॉब्लम इन टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में आपूर्ति और जो मांग की समस्या है उसके बारे में आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है शॉर्ट के अंदर, उसमें क्या पूछा हुआ, जो कि काफ़ी थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, राइट यूज ऑफ ITC। ठीक है, कि जो ITC है उसका क्या रोल है, किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम टीचिंग में। उसके बाद सेक्शन B, ठीक है, सेक्शन B अपना कौन सा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें 3 जो है 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट में, यहाँ पे बताना है क्या, इनुमरेट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एट हायर लेवल। हायर लेवल पर जो टीचर है, ठीक है, टीचर की जो एजुकेशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रेजेंट टीचर एजुकेशन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिकमेंडेशन फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये बताना है कि वर्तमान जो शिक्षक शिक्षा शिक्षक शिक्षा के लिए सिफारिशों का परिणाम है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन वगैरह हुई है उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि जो अपना UGC है, अप्रेज द रोल ऑफ UGC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इन टीचर ट्रेनिंग एट हायर लेवल। उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक जो शिक्षक प्रशिक्षण में UGC की भूमिका को बताना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिस्क्राइब द कॉम्पिटेंसी बेस अप्रोच इन टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में योग्यता आधारित उपागम को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन अगले पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने है सेक्शन C, और सेक्शन C आपका लॉन्ग क्वेश्चन का है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया हुआ है, एलेबोरेट द रिसर्च ट्रेंड्स इन टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में, ठीक है, अनुसंधान प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है आप लोगों से, डिस्कस द वेरियस इशू रिलेटेड टू विद क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन, हाउ कैन दे बी सोल्व, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता मानकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की चर्चा कीजिए, इसे कैसे हल किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन पास्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया।
ठीक है, भारत में आज़ादी से के उपरांत की अवधि में जो शिक्षक है, शिक्षक शिक्षा के विकास का वर्णन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, हाउ द डिफेंस मेल प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी रेगुलेटेड। ये कह रहा है शिक्षक शिक्षा जो संस्थानों द्वारा अपनाई गई विभिन्न विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में बताना है। तो ये था आज का पेपर। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।